राज्यों की तरह सरकार के आदेश के बाद हरियाणा प्रदेश में भी अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में अम्बाला में ठीक 9 बजते ही पुलिस ने शहर के चौक चौराहों पर गश्त बढ़ा दी। पुलिस ने लोगों को 9 बजे के बाद घरों में रहने की हिदायत देनी शुरू कर दी। वहीं अम्बाला में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन लोगों की लापरवाही साफ देखने को मिली। बता दें कि हरियाणा में नाइट कर्फ्यू का ऐलान होते ही अम्बाला में पुलिस ने नाकेबंदी बढ़ाकर लोगों को चेतावनी देते हुए रात 9 बजे के बाद घरों में रहने की हिदायत दी। हालांकि 9 बजे के बाद भी अम्बाला की सड़कों पर रोजाना की तरह ही चहल पहल दिखाई दी, लेकिन नाइट कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए अम्बाला में पुलिस ने सड़कों पर माइक लगाकर अनाउंसमेंट भी की। कोतवाली थाना के SHO रामकुमार ने बताया कि आज कर्फ्यू का पहला दिन है, इसीलिए लोगों को अपील के जरिए समझाया जा रहा है, लेकिन अगर कल से कोई उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो नियमों का उल्लंघन करने पर FIR दर्ज करने का प्रावधान भी है। उधर नाइट कर्फ्यू के वक्त सड़कों पर घूमने निकले लोगों से भी बात की गई तो लोगों ने नाइट कर्फ्यू के फैसले को तो सही बताया, लेकिन इसके साथ वो नियमों का उल्लंघन भी करते नजर आए। 9 बजे छुट्टी हुई है। किस तरह देखते हैं सर नाइट कर्फ्यू के सरकार के फैसले को? ठीक है, फैसला ठीक है, जो वातावरण चल रहा है उसके हिसाब से ठीक है। कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्या कुछ ऑर्डर्स हैं, किस तरह से पालन करवाया जाएगा? नाइट कर्फ्यू के आज ही ऑर्डर आए हैं, आज रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, मतलब ये अगले आदेश तक जारी रहेगा, रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक। इस दौरान सभी दुकानें बंद रहेंगी, केवल जो हॉस्पिटल हैं, मेडिकल शॉप हैं, ATM वगैरह हैं, अभी तक उनको छूट दी गई है। और हमने अपनी अलग अलग पार्टियां निकाल दी हैं, सभी को सूचित किया जा रहा है कि वो लॉकडाउन इसके नियमों का पूर्णतः पालन करें ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। सर, अगर कोई उल्लंघन करता पाया जाता है तो क्या कुछ कार्रवाई का प्रावधान है? चालान काटे जाएंगे, FIR दर्ज होगी? इसके अंदर FIR का भी प्रावधान है। तो सर, आज पहला दिन है, आज से ही कार्रवाई कड़ी शुरू की जा रही है या कल से आज समझाया जाएगा लोगों को? आज अभी लोगों को समझा रहे हैं, अगर कोई नहीं मानेगा तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।